अभी आपसे हम चर्चा करेंगे फैटी लीवर और एस्टियाटोसिस, यानी लीवर जो हमारे शरीर के दाहिने हिस्से में होता है उसमें तेल का मात्रा का बढ़ जाना। तेल तो हमेशा होता ही है, लेकिन उसका मात्रा जब ज़्यादा हो जाता है तब उसे बोलते हैं फैटी लीवर डिजीज़। तो ये फैटी लीवर डिजीज़ होता क्या है? लीवर के अंदर चर्बी का ज़्यादा होना, खास करके आजकल जब अल्ट्रासाउंड का जांच होता है तो उसमें रिपोर्ट में आता है कि फैटी लीवर है। फैटी लीवर शब्द का मतलब हुआ कि लीवर का जो लुक होता है, दिखता जैसा है, वो ज़्यादा उजला दिखने लगता है, तो बोलते हैं फैटी लीवर, क्योंकि फैट जो है अल्ट्रासाउंड में उजला दिखता है। तो फैटी लीवर डिजीज़ का मतलब हुआ कि ज़्यादा उजला दिखना, पहले के जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा होना, तभी बोलते उसे फैटी लीवर। जैसे तेल जितना होता है शरीर में इतना लीवर में होता है, उससे ज़्यादा हो रहा है तो उसको फैटी लीवर डिजीज़ बोलते हैं। और फैटी लीवर डिजीज़ से आपको दिक्कत क्या क्या हो सकता है उसको समझ, बहुत सारे लोगों को दिक्कत नहीं रहता है। जिसमें दिक्कत रहता है तो उसमें क्या होता है, पेट के दाहिने हिस्से में, जो मेरा दाहिना हिस्सा है, उसमें जाकर के दर्द सा या भारीपन सा एहसास होता है। और किसी किसी परिस्थिति में आपको बहुत ज़्यादा खराब स्थिति होगा तो जॉन्डिस भी हो सकता है। तो ये फैटी लीवर होता है। और खासकर फैटी लीवर होता क्यों है, तो आप सीधे ना, फैटी के मतलब होता है कि तेल और चर्बी जिसे बोल सकते हैं, वो ज़्यादा अगर लीवर में जाता है, क्यों ज़्यादा जाता है, क्योंकि लीवर के पास ज़्यादा आ जाता है। तो कैसे ज़्यादा आ सकता है, या तो हम खाना में ज़्यादा खा रहे हैं, खास करके लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, वैसे लोगों में मीठा जो है, अगर शरीर को उतना एनर्जी की ज़रूरत नहीं है ऊर्जा, तो वो खास कर लीवर में उसको बर्न फैट के रूप में बदल लेता है। लेकिन सिर्फ फैटी लीवर उतना नुकसानदायक नहीं है जितना कि फैटी लीवर में कभी कभी जो फैटी एसिड होता है वो अगर खून में ज़्यादा हो जाए, वो अगर नुकसानदायक रूप ले लेता है, मतलब इन्फ्लामेशन कर लगता है। इन्फ्लामेशन मतलब आग लगा देना, यानी वो आग लगा देता है लीवर के अंदर, एक सूजन पैदा करता है। तो उस परिस्थिति को हम लोग खराब बोलते हैं, जो कि हम खून के जांच के द्वारा हम लोग पता कर पाते हैं। जैसे ALT होता है, उसका ALT या उसको SGPT भी बोलते हैं। तो SGPT या ALT जो सामान्यतः 40 के नीचे होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब है फैटी लीवर आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर 200-300 ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने जा रहा है आपको, और ऐसी स्थिति में जो है आपको बचना चाहिए। तो किस किस परिस्थिति में लोगों को फैटी लीवर होने की संभावना है, तो सबसे पहला जो परिस्थिति, हम लोग ज़्यादा खाते हैं और हम लोग मोटे हो जाते हैं, दूसरा हम दिन में बैठे रहते हैं, तीसरा है कुछ ऐसा मेडिसिन है वो भी आपको फैटी लीवर डिजीज कराने में मदद करता है, चौथा है किसी किसी केस में इसको छोड़ दिया जाए तो शराब जो पीते हैं, शराब पीने वाले को भी, ज़्यादा खाने वाले को भी, मोटे लोगों को, बैठे रहने वाले लोगों को, जिसको डायबिटीज है, या डायबिटीज नहीं भी है तो इंसुलिन का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों में जो है खास करके फैटी लीवर ज़्यादा होती है। यानी जो मोटा है उसका लीवर में भी मोटा हो सकता है, लीवर में भी तेल हो सकता है, और लीवर में फैटी लीवर हो सकता है। इस सिंपल भाषा में जितने भी लोग मोटे हैं, इसका पेट निकला हुआ तो अपने फैटी लीवर को संभावना को बढ़ाता है। और फैटी लीवर किसी को हो गया, अगर तकलीफ है तो करना क्या है, आपको अपना डाइट सही करना है, आपको एक्सरसाइज करना है, अपना वेट सही करना है, अगर आप डायबिटीज, डायबिटीज का इलाज कर लेना है, अगर आप मोटापा तो मोटापा तो करना ही चाहिए, कुछ ड्रग्स जिस कारण से होता है तो ड्रग्स का जो स्थिति है उस ड्रग्स के बारे में बता देना है क्या स्थिति है, और जो दवाई हम लोग खाते हैं इसके लिए फैटी लीवर के लिए, दवाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारा डाइट और एक्सरसाइज है। कुछ दवाई हम लोग देते हैं जिससे विटामिन ई है और कुछ कुछ और भी ड्रग्स चलता है, लेकिन विटामिन ई खास करके लीवर बहुत अच्छा पॉजिटिव इसका रोल है फैटी लीवर डिजीज में। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपका अगर डाइट सही रखना है, आपका वेट सही रखना है। डाइट सही रहेगा तो वेट भी सही होगा, वेट सही होगा तो फैटी लीवर होने की संभावना घटेगा, और एक्सरसाइज करेंगे उससे ही फायदा होता है। यहाँ तक फैटी लीवर के साथ साथ एक्सरसाइज करने से आपके ब्लड प्रेशर को, आपके कोलेस्ट्रॉल को, आपके हड्डी को भी मजबूत बनाता है, आपके मन में डिप्रेशन को भी रोकता है। तो इन सारी तरह के देखते हुए सब चीज़ों में फ़ायदा ही फायदा है एक्सरसाइज से। लेकिन एक्सरसाइज हम लोग बोलते हैं कम से कम 30 मिनट रोजाना अगर चले तो वो सफिशियंट है, यानी ठीक करने के लिए सक्षम है, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम होता है। तो इस तरह से फैटी लीवर में जो है आप फैटी लीवर से बच सकते हैं। और फैटी लीवर में जो नुकसान करता है वो फैटी एसिड होता है, जो खास करके ब्लड में दौड़ते रहता है, जो फ्री फैटी एसिड बोलते हैं,
उसका मात्रा बढ़ जाने से वो उस जो जो एक्स्ट्रा मात्रा होता है तो वो जो जा करके आपके सिस्टम में शरीर में जो है वो टॉक्सिन का रूप लेता है, फिर नुकसान। जैसे ब्लड शुगर में भी अगर शुगर की मात्रा ज़्यादा होता है तो वो टॉक्सिन का रूप ले लेता है, नुकसान का रूप ले। जैसे बारिश में ज़्यादा बारिश हो जाता है तो वो पानी हमारे नुकसान का कारण बन जाता है, खेत तो फसल को डुबा जाता है, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। ठीक उसी तरह इसमें भी यही बात है, और हर परिस्थिति में आप जान रहे हैं कि आपका वेट होना सही है, आपका डाइट सही चाहिए, एक्सरसाइज करना जरूरी है, अगर डायबिटीज हो तो डायबिटीज़ का इलाज होना जरूरी है। तो ये सारी बातें जो है लगभग हर जगह लागू होता है कि आपका डाइट कैसा है, आप एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, आपका शरीर का वजन सही है कि नहीं, अगर आपका डायबिटीज़ है डायबिटीज़ सही से इलाज में है या नहीं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखिए, अपनी बीमारी को दूर रखिए। बहुत घबराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बहुत सारे लोग बहुत घबराते हैं, खाना क्या खाए खाना क्या खाए। सीधी सी बात है, अगर वजन ज़्यादा है तो आप खाने में ज़्यादा कैलोरी मत लें, फिर आपको भूख मन नहीं मान रहा है तो हरा साग सब्जी सलाद खीरा टमाटर गाजर ये भी होता है, इसकी मात्रा बढ़ा करके खाने में हर्ष मिले ताकि कम खाए तो भी पेट भरा हुआ महसूस करे और मन में अच्छा महसूस करें। तो अक्सर लोग खाना आधा पेट खाएंगे तो हमेशा आपका मन दुखी दुखी रहेगा हमेशा। सबसे पहले तो ये बताया कि मन अगर दुख है, मन में दुखी है, तो वो दुख भी दुख को और बुलाता है। तो इसलिए जो है आपको खुश रहना है, ये वेट घटाना है और ये घट जा रहा है तो उसको देख करके सुन करके या देख करके खुश हो जाना है, और जब आप खुश होते हैं तो शरीर और बेहतर स्वस्थ होता है। तो इसलिए हरा साग सब्जी सलाद देकर पहले खा लेंगे फिर या खाना खाएंगे, या सलाद खा के खाना खाएंगे, या खाने के साथ में सलाद खा लेंगे, या खाने से पहले कुछ पानी ज़्यादा पी लेंगे फिर खाएंगे, और गैस उसका प्रॉब्लम नहीं हो तो इस परिस्थिति में क्या होता है कि आप कम खाएंगे और आपका पेट भर भर जाएगा, क्योंकि सलाद खा चुके हैं, कैलोरी कम जा रहा है, वजन सही होगा। इसलिए भोजन जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये फैटी लिवर डिजीज में इस चीज़ को दर्शाता है कि वही सही भोजन होगा, सही एक्सरसाइज होगा तो सही वजन होगा, और सही वजन होगा तो फैटी लिवर बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगा, हुआ है तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।